चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए पास में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपकी चैट जो डिलीट हो चुका है वो कैसे वापस लाया जाए इस व्हाट्सएप में। तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको वापस लाया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट्सएप को पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करवा लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब वो ओपन होगा तब मैं बताने वाला हूँ कैसे। वहीं पे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट वहीं पे है। तो आपके जो पुराने नंबर दिए थे और ईमेल आईडी दिए थे उसमें ही वो ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऐप इंस्टॉल कर लिया और अगर आपको ओपन करने वाला हूँ मैं मेरा पुराने नंबर जो है उसको देने वाला हूँ। तो देने के बाद वो जो अलाउ करने वाला है, अलाउ करने के बाद आपका जो वीकली आता है, वीकली मंथली उसमें आपको अलाउ करना है। मैं यहाँ पे मेरा नंबर देने वाला हूँ। नंबर देने के बाद जो भी पुराने चार्ट थे आपके वो वापस आ जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे मेरा नंबर देने वाला हूँ। आप सिलेक्ट कर दीजिए आपका रीजन जो भी है, कौन सा कंट्री है। यहाँ पे वेरीफिकेशन कोड आप जिस नंबर पर दिए थे वो एक वेरीफिकेशन कोड आएगा, वो वेरीफिकेशन कोड आप दे दीजिए। 6 डिजिट वेरीफिकेशन कोड यहाँ पर आने वाला है। तो उसको वेरीफिकेशन कोड आप देने के बाद अब व्हाट्सएप ओपन होने वाला है। यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। वो कंटिन्यू करने के बाद आप पुराने चार्ट जो भी है वो वापस आ जाएगा। अलाउ कर दीजिए। मेरा यहाँ पे कुछ चार्ट नहीं था, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपका जो पुराने था वो भी आने वाला है। मैं इसमें आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसमें आ जाता है पुराने चार्ट। मेरे नंबर भी चेंज करके आपको बताऊँगा कि कैसे नंबर भी चेंज होता है और अकाउंट को भी कैसे डिलीट करते हैं। मैं लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखें तो मैं बताने वाला हूँ, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे चैट के ऑप्शन आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, कॉल्स आ जाता है और यहाँ पे जो 3 बटन है राइट साइड के कॉर्नर पे ऊपर में उसमें सेटिंग आता है, मैसेज को कैसे स्टार करते हैं, न्यू ग्रुप कैसे बनाते हैं, सब कुछ यहाँ पे कॉर्नर में आ जाता है। नोटिफिकेशन आपका जो भी है नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए वो आ जाएगा। अकाउंट के डिटेल्स में उसका प्राइवेसी सिक्योरिटी चेंज नंबर के अब सब डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंट डिलीट के ऑप्शन नीचे देखा है, देखिए यहाँ पे डिलीट आपको जिस नंबर पे अकाउंट ने मैंने ओपन किया है अगर उसी नंबर दे दूँ तो उसके बाद ये अकाउंट कम्प्लीटली डिलीट भी हो सकता है। ये मैं लास्ट को बताने वाला हूँ अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं। अभी हम बात करेंगे के नंबर चेंज करने के बाद मेरा जो पुराना अकाउंट था उसमें जो चैट मैंने किया था वो चैट कैसे वापस आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ओल्ड नंबर मेरा पहला नंबर जो था उसको मैं दे देता हूँ अभी जो अकाउंट मैंने ओपन किया। उसके बाद जो न्यू नंबर में अभी अकाउंट ओपन करने वाला हूँ वो नंबर दिया, चेंज नंबर के बारे में यहाँ पर नोटिफाई मेरे को आ गया। वहीं पर फिर 6 डिजिट कोड जिस नंबर पर था उसमें आएगा, उस 6 डिजिट कोड डालने के बाद वो अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके सभी चार्ट जो पुराने चार्ट आपने किए थे वो सब चार्ट आपके आने वाला है। ये देखिए मैं जो पुराने चार्ट था एक दो वो सब आ जाता है, अभी चार्ट का भी ऑप्शन आ जाता है और जो भी मैसेज आएगा वो आएगा आपके व्हाट्सएप में। पुराने चार्ट जो भी किए थे वो सब वापस आ जाएगा। मैं एक चार्ट करके दिखाता हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग, मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे दोस्त लोग कि उसका व्हाट्सअप का वॉलपेपर जो चैट करते हैं उसका कैसे चेंज करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक प्लीज़ देखते रहिए। यहाँ पर मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, कैसे ग्रुप बनाते हैं ये मेरा कंटेक्ट लिस्ट है, मैं एक ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके जो भी ग्रुप जिसमें जितना लोग ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए, उसमें एक नाम दे दीजिए, वो आपका ग्रुप बन जाएगा। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी फ्रेंड वगैरह हो, फैमिली वगैरह जो भी आप जैसे दे सकते हैं नाम, जितने कंटेक्ट्स है आप उसको चूज करके एक एक के ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सेटिंग पे जाता हूँ और एक बार सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि अकाउंट में प्राइवेसी में, प्राइवेसी आपका जो
कौन चाहते हैं, आपका चैट कब किए थे, किसके साथ किए थे, स्टेटस कौन देखे, ये सब प्राइवेसी आप मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको प्राइवेट रख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट डिलीट का ऑप्शन आए, आप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं।